कभी किसी लड़की ने इन फ्रंट ऑफ आके आपको प्रपोज किया है? अब मैं ये चीजें ऐसे कहूंगा तो फिर बहुत सारे दिल आजारियां भी होंगी। अच्छा, तो दिल आजारी नहीं करना चाह रहे आप? तो मैं किसी को भी दिल आजारी नहीं करना चाहता। शादी कब कर रहे हैं आप? इंशाल्लाह जल्द। जल्द कर रहे हैं? कोई लड़की नजर में है या घर वालों की नजर? तो वो अल्लाह को जैसे अल्लाह। अच्छा, यहाँ लड़कियों वाले मामले में बहुत रिजर्व है। मूड आपका मतलब खाना देख अच्छा बना, डिलीशियस है, आपको कहने भी मैंने 15 रोटियां खानी है। मुझे तो जिंदगी में मैंने तो जिंदगी में 5 रोटियां भी नहीं खाई होंगी, मुझसे सारी अच्छी। ये वाकई ही एक कामयाब आदमी बोलते हैं कि भी मुझसे सब अच्छी। मेरी खुद की पर्सनल किसी से लड़ाई हुई नहीं। मैं ये अपने सिंधी भाइयों के लिए भी एक ये मेरी जो मैंने पहना है टोपी और अजरक, ये उनका खास गिफ्ट मुझे आया और जिन्होंने ये गिफ्ट मुझे किया उनका भी शुक्रिया। ऐ मुंडा देख एनु तो मैं कुछ नहीं समझ तो बड़ा मशहूर है। पंजाबी हाँ, मेरे अबू मेरे चाचा को कह रहे हैं कि यार आपा तो इन्हें समझते बड़ा मशहूर है उसे बाहर मुल्क बड़े लोग प्यार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। लाहौर 42 से मैं हूँ आपकी मेज़बान फरा इकबाल। एक और दिलचस्प इंटरव्यू लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं 2020 में वर्ल्ड कप जीतने वाली पाकिस्तानी कौमी टीम के बहुत ही अहम खिलाड़ी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में इंडिया के साथ कबड्डी मैच खेला और पाकिस्तानी कौमी टीम को फतह से हमकनार करवाया और जीत का एजाज़ अपने नाम किया है। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बहुत ही उम्दा शख्सियत के मालिक हैं और बहुत लंबे अरसे से पाकिस्तान के लिए कबड्डी खेल रहे हैं। तो आपके इंतजार को खत्म करवाते हुए मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ द बेस्ट प्लेयर एंड द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी जनाब शफीक चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमें इज्जत बख्शी। हम सवालों का सिलसिले का आगाज करते हैं, मुझे बताएं कि कबड्डी का आगाज आपने कब किया? मैंने कबड्डी का आगाज 2008 से किया और 2009 में मैंने पहली नेशनल खेली पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान वावड़ा की तरफ से, और 2010 में मैंने पाकिस्तान की तरफ से पहला वर्ल्ड कप खेला। पाकिस्तान में और भी बहुत ज़्यादा जो है स्पोर्ट्स गेम है, तो आपका रुझान कबड्डी की तरफ क्यों गया? यहाँ बचपन से आप कबड्डी खेलते आ रहे थे? नहीं, हमारे मुझे लगता है कि हमारे पहले खानदान में किसी ने भी नहीं कबड्डी खेली, तो वो मैं तो बस जिमनास्टिक और क्रिकेट का प्लेयर था, तो उससे फिर इस चीज में क्रिकेट के प्लेयर होने के साथ साथ आपने कबड्डी में जो है वो कन्वर्ट किया उसको? हाँ बिल्कुल, वो ऐसे बस एक दफ़ा हमारे टीचर थे तो उन्होंने मुझे, उनके प्लेयर्स कम पड़ गए प्राइमरी स्कूल में, तो उन्होंने मुझे कर लिया क्रिकेट कबड्डी में इन किया, तो वहाँ से बस शौक पड़ा हुआ। फिर आपने खेलना स्टार्ट कर दिया, आज माशाल्लाह आप इंटरनेशनल प्लेयर भी कहलाए जाते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके साहब, मुझे बताएं कि लोकल प्लेटफॉर्म पे आपने कब पहली दफा मैच खेला कबड्डी का, तब आपको रियलाइज हुआ कि आप एज अ बेस्ट प्लेयर खेल सकते हैं? जो प्लेयर मैं कहता हूँ कि जो होता है, जिसको ये पता होता है कि मैं प्लेयर बहुत बड़ा हूँ या कुछ भी ऐसे अल्फाज, मैं कहता हूँ कि वो प्लेयर बनता ही नहीं है। हमेशा जो बड़ा इंसान बनता है उसको ये नहीं पता होता कि मैंने इतना बड़ा बन जाना है, उसने अपनी मेहनत पे फोकस करना होता है और अपनी दुआओं पे, अल्लाह पे यकीन होता है उसको, बस वो उस लिहाज से। फिर मुझे तो आज तक नहीं पता चला था कि मैं, अल्लाह ताला मुझे ये मुकाम और ये इज्जत देंगे, आपने अपनी मेहनत और लगन को जारी रखा और अल्लाह ने आज आपको माशाल्लाह से ये मुकाम जो है वो नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, हर फील्ड का कोई ना कोई उस्ताद होता है, इंसान पढ़ता है उसका उस्ताद होता है, हर स्पोर्ट किसी ना किसी का कोई उस्ताद होता है, आपके कबड्डी के उस्ताद कौन है जिन्होंने आपको करेज किया कि नहीं भाई आपको खेलना चाहिए? मेरी कबड्डी के जो उस्ताद थे वो मेरे शाही जट हैं और उन्होंने मुझे मतलब कबड्डी आगे स्टार्ट करवाई। पहले जो प्राइमरी स्कूल से जिन्होंने मुझे कबड्डी का शौक डाला था वो एक हमारे मास्टर रहील थे, रहील अंजुम, वो इंग्लिश के हमारे टीचर थे और ख़ुद भी प्लेयर थे कबड्डी के, तो उन्होंने फिर मुझे कबड्डी में इन किया, तो वहाँ से हाँ जी प्राइमरी से। हाँ जी। अच्छा, पाकिस्तान में सर दो किस्म की कबड्डी खेली जाती है, एक सर्कल होती है, दूसरी तमाचेदार जिसे कहते हैं, तो ज़्यादातर आप डिमांड किस पे खेलते हैं, सर्कल कबड्डी खेलते हैं या तमाचेदार? देखिए, जो हमारे डिपार्टमेंट में खेली जाती है या इंटरनेशनल लेवल पे खेली जाती है वो हमारी सर्कल ही है। उसमें हमारी सर्कल में हमने अपने डिपार्टमेंट के मैच खेलने होते हैं, पाकिस्तान के मैच खेलने होते हैं, और बहुत कम जो होते हैं हमारे जो बहुत अच्छे मैचेज हों वो हमने खेलने होते हैं, अदरवाइज हम सारी कबड्डी मिक्स ही खेलते हैं। तो आप ज़्यादातर जो है ना वो शौकिया तौर पे कौन सी कबड्डी खेलते हैं, यहाँ लोग क्या डिमांड करते हैं कि आपको कौन सी कबड्डी खेलनी चाहिए? देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे मैंने आपको पहले भी बताया कि इंटरनेशनल लेवल पे इसी चीज़ की डिमांड है, सर्कल की है, और पाकिस्तान में भी कुछ एरियाज़ हैं जैसे हमारा साहिवाल हो गया
और फैसलाबाद हो गया, तो इस एरियाज की तरफ या ये चिश्तियाँ साइड हो गई, इस साइड की तरफ मैचेस होते हैं अच्छे जो होते हैं मैच, वो मंथ में एक दो होते हैं, तो उसके अलावा बाकी हर तरफ ही फ्री स्टाइल खेली जाती है पाकिस्तान में। कबड्डी प्लेयर के लिए फिटनेस जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होती है, तो आप अपनी फिटनेस का ख्याल किस तरह से रखते हैं? देखें मैं कोई भी आप देखेंगे मेरे कबड्डी का मैच होगा तो उससे पहले कबड्डी में ग्राउंड इन होते मैं सबसे पहले अपनी ट्रेनिंग जिसको कहते हैं वो मुकम्मल तकरीबन आधा पौना घंटा ट्रेनिंग करता हूँ। किस तरह ट्रेनिंग करते हैं, उसमें क्या क्या सेगमेंट्स होते हैं? उसमें मेरे होते हैं, मैंने रनिंग करनी होती है, रनिंग के तकरीबन 15 से 20 मिनट रनिंग होती है, उसके बाद फिर मैंने अपने बॉडी स्ट्रेच करनी होती है, एक्सरसाइज जो होती है फिजिकल बॉडी की वो करनी होती है, उसके बाद पुशअप लगाने होते हैं और उसके बाद मैंने स्प्रिंट लगानी होती है, तो 8 से 10 स्प्रिंटें लगा के फिर अपने आप को फिर ग्राउंड में इन होकर फिर मैंने मैच खेलना स्टार्ट करना प्रॉपर अपने आप को जो है ना वो रेडी करके देन आप जो है वो उसके अलावा जी उसके अलावा जब हमारी जैसे अब कोविड-19 के दिन चल रहे हैं तो आजकल हर एक्टिविटी ऑफ है, तो इस तरह हमने सुबह मैं उठता हूँ नमाज के बाद उठ के मैंने ग्राउंड जाना होता है तकरीबन 6 बजे से लेके 8 बजे तक ग्राउंड में, तो ग्राउंड में अपनी ट्रेनिंग शेनिंग मुकम्मल करके फिर घर आ जाना होता है, तो शाम को फिर मैंने तकरीबन 1 घंटा फिर जाना होता है ग्राउंड में, तो वहाँ पे फिर जब फ्री डेज होते हैं तो इस तरह हम अपने आप को फिट रखते हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स प्लेयर जो होते हैं उनकी डाइट जो है वो कैजुअली पर्सन की डाइट से डिफरेंट होती है जी, तो कबड्डी प्लेयर जो है इनकी डाइट में आप क्या यूज करते हैं, स्पेशल क्या यूज करते हैं जिससे आपकी मेंटेनेंस और फिटनेस जो है वो बरकरार रहती है? मैं देखिए मैम कोई भी किसी भी किस्म का हम ये नहीं कह सकते कि जो कबड्डी प्लेयर हैं वो ज़रा कोई आम बंदे से हटके खाते हैं, नहीं वो नॉर्मल डाइट होती है जैसे आप लोगों की डाइट है, हाँ बट मेंटेन होती है और उसमें ये होता है क्वांटिटी का कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम यूज़ कर लेते हैं, जैसे आप थोड़ा एक पाव खाएंगे तो हम 1.5 पाव खा लेंगे, बस इस तरह थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, अदरवाइज सेम ही होता है सारा। कंपलसरी होता है कि हर मतलब आपको जो है ना वो ज्यादा खाना होता है, किस टाइम नहीं भी दिल कर रहा था कहते नहीं भी इस दफा हम छोड़ देते हैं नेक्स्ट टाइम ज्यादा खा लेंगे? नहीं आपकी ये डिपेंड करता है आपके मूड पे और आपके भूख पे, तो जिस तरह का फिर जितना आप चाहते हैं या जितनी क्वांटिटी में आपको जरूरत होती है फिर उस हिसाब से आप खा लेते हैं। भूख सिर्फ 5 रोटी की और मूड आपका मतलब खाना देके अच्छा बना डिलीशियस है आपको कहने भी मैंने 15 रोटियां खानी है मुझे तो जिंदगी में मैंने तो जिंदगी में 5 रोटियां भी नहीं खाई होंगी, 5 रोटियां भी नहीं खाई होंगी, 15 तो कहीं दूर की बात है। हाँ जी मैंने ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 वो हमारे कुछ भाई हैं जो जैसे हम कह सकते हैं कि उसको कुश्ती प्लेयर जो हमारे हैं उनको हम कह सकते हैं कि वो इस लिहाज से खाते पीते हैं जरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो अदरवाइज और कोई बात नहीं है, कबड्डी प्लेयर्स की इतनी ज़्यादा कोई खास नहीं होती डाइट, बस नॉर्मल पर्सन जितनी होती है। अच्छा इसमें आप मतलब देसी घी और एग्स वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं जो कि कुछ लोगों को नहीं पसंद होता, बाकी इस फील्ड में आने के बाद आपको जो है वो देसी खाना जो है खाना पड़ता है बिकॉज ये विटामिन प्रोटीन आपको जो प्रोवाइड करते हैं। जी जी वो ऐसे हम कह सकते हैं कि जैसे दूध दही और अंडा मीट इस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, वो हमने बॉडी के हिसाब से अपने आप को देना होता है कि जितना हमारी बॉडी को चाहिए होता है उस हिसाब से हमने फिर वो उसको प्रोवाइड करना होता है। जो न्यू प्लेयर अभी कबड्डी में इन हो रहे हैं तो आप उन्हें डाइट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या अपनी डाइट जो है वो उसमें यूज करें और जिससे आपकी फिटनेस जो है वो मेंटेन हो सकती है? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये जो जैसी चीज़ें मैंने बताई हैं जो घरों में आम ही मिल जाती हैं तो वो आप यूज़ करें, जैसे दूध है दही है घी है देसी मक्खन और हमारा मीट है तो ये चीज़ें यूज़ करें, और इसके अलावा आप सब्जियां भी यूज़ करें क्योंकि बहुत सारे हमारे जो प्लेयर्स हैं वो सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस रखते हैं, और ये जो जब हम या कुछ हमारे जो नए प्लेयर हैं उनके माइंड में होता है कि ये फूड सप्लीमेंट होता है ना, आज मैं उनको एक ज़रा ये भी बात रियलाइज़ करवाना चाहता हूँ कि जो फूड सप्लीमेंट होता है ये लाजम नहीं होता कि आपने वो यूज़ करेंगे तो आप प्लेयर बनेंगे,
फूड सप्लीमेंट में आप जो चीज़ें आप रोज़मर्रा खा रहे हैं, ये जैसे दूध, दही, मक्खन, घी और सब्जियां, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें, इनका जो मिक्सचर होता है इसी को हम फूड सप्लीमेंट कहते हैं। लेकिन फूड सप्लीमेंट में कुछ ऐसे ज़रात या ऐसी चीज़ें भी मिलाई जाती हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं, तो इसलिए आप ये चीज़ें यूज़ करें जो सादी हमारी आम है, तो आप उनकी तरफ ज़्यादा फोकस ना करें और ना ही वो खाएं, क्योंकि उससे आपकी बॉडी इफ़ेक्ट पड़ सकता है आपकी बॉडी पे, और आप की बॉडी टाइम से पहले काम करना छोड़ भी सकती है। हर मैच से पहले जो है रिलैक्सेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप घर से बिल्कुल रिलैक्सली माइंड गए हैं और मैच के स्पॉट पे पहुंच के आपको कोई ना कोई जो है वो डिप्रेशन हो जाता है, बाजू की बात हो जाती है, तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो देन फिर ऑन द स्पॉट अपने आप को किस तरह से रिलैक्स करते हैं? देखें, सबसे ये बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन किया। देखें, किसी ज़िंदगी में इंसान है, इंसान को किसी न किसी जगह पे कोई ना कोई मुकाम पे, हर एक इंसान को, चाहे वो प्लेयर हो चाहे वो आम सिंपल लाइफ का बंदा हो, कुछ ना कुछ उसको प्लेयर होती है, कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है दरमियान जो आपको आपके माइंड को ज़रा डिस्टर्ब कर देती है, तो होता है बाज़ तो हमारे साथ भी ऐसा, मैच के दौरान जा रहे हैं तो कोई ऐसी बात हो गई है, या ऐसा कुछ मैच के दौरान हो गया, या हमारे पीछे हमारी फैमिलीज में से कुछ हो गया, तो उस चीज़ को फिर हम दुआ मांग के और अल्लाह पे ही छोड़ के तो अपने आप को ग्राउंड में इन करते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अल्लाह तवक्कुल बहुत ज्यादा। और ये गेम कबड्डी हमारी गेम ऐसी है कि जब हम उसमें ग्राउंड में इन हो जाते हैं ना, तो यकीन माने उसमें कुछ भी हमें याद नहीं होता कि दुनियादारी में कोई चीज़ हमने क्या की है, कब की है। जब इन होते हैं तो आउट होने के बाद हमें कुछ चीज़ों का पता चलता है कि ये हो गया या वो हो गया, बस फिर सारा फोकस नेक्स्ट प्लेयर पे होता है, उसकी बिल्कुल मैच पे होता है, बिल्कुल। अच्छा सर, आपका बहुत ही यूनिक सा स्टाइल है, इवन दैट बहुत से कबड्डी प्लेयर ऐसा है वो बहुत ही देसी स्टाइल उनका चलता आ रहा है विन जो सेलिब्रेशन करना है, बट आपका बहुत ही एक अलग सा स्टाइल है, तो ये यूनिक स्टाइल आपने कहाँ से डेवलप कर लिया खुद में? देखिए, आपको ना बहुत सारी चीज़ें, मैं ये नहीं कहता कि हमारे सारे भाई अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और सब एक अच्छा घराने से, तो ये आप जैसी सोसाइटीज़ में बैठेंगे ना, तो आपको सोसाइटी का अमल आप पे और उसका असर आप पे, आपकी शख्सियत पे डेवलप होता है, वही आप फिर आगे डेवलप करते हैं तो वही बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना वो इन करना होती है, वो ये कि अगर आप डेवलप करना चाहते हो या क्लिक करते हो, अगर आप पॉइंट आउट ही नहीं करोगे, मतलब जिस तरह के सोसाइटी में बैठे हुए, अगर वो सब जो वेल क्वालिफाइड पर्सन और आप सिर्फ अनएजुकेटेड भी हो, तो बट आप उनके स्टाइल्स को, उनका टॉकिंग वे अगर आप पिकअप ही नहीं करोगे, तो आप ओबियसली उसको जो है ना अडॉप्ट ही नहीं कर पाओगे अपने अंदर। हाँ, बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा मेन बात होती है कि आपका पिकिंग पावर जो है वो थोड़ा सर, पाकिस्तान की कबड्डी टीम की आपने कप्तानी भी की है, तो कभी सोचा था कि मैं एज अ कैप्टन भी जाऊंगा, या एक प्लेयर एक सडनली जब एक कैप्टन बनता है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आप जब कैप्टन होते हैं तो बहुत सारी आपके जिम्मेदारियां होती हैं, क्योंकि प्लेयर माइंड बिल्कुल खत्म हो गया, कैप्टन माइंड आ जाता है। बिल्कुल, हमारे प्लेयर्स, हमारी टीम में फिर कुछ ऐसे फैसले भी करने पड़ते हैं जो बड़े मुश्किल होते हैं, और वो एज ए कैप्टन और साथ में कोच और हमारे मैनेजर साहब जो उन्होंने करने होते हैं मिलके, तो वो बड़े तकलीफदा होते हैं, उनको करना तो एक ऑथेंटिक और एक पावरफुल मैन का ही है कि वो ही कर सकता है, तो इस बाकी इसमें कोई भी हमारी कबड्डी टीम में ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह, कि कोई एक बात ना मानता हो सीनियर्स की, या मैं हूँ अगर मुझसे कोई सीनियर तो मैं उसकी मानूंगा, अगर मुझसे कुछ नहीं। हाँ, बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी करके सभी अपना टाइम अदा करते हैं। अच्छा सर, कब आपको इत्तेफाक हुआ कि आप पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल सतह पर जाकर खेले? मैं 2010 में, मैंने 9 या 10 में पहली दफा गया हूँ इंडिया। इंडिया गए थे जी, तो क्या प्रोग्रेस थी आपके और लोगों की अप्रिसिएशन क्या थी? और आप यकीन मानेंगे कि मैं पहले वर्ल्ड कप से ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज्जत से नवाजा, कि तब तो मुझे किसी को इतना पता भी नहीं था कि शफीक चिश्ती कौन है, तो तब से मतलब एक मौका मुझे मिला कि मैंने ग्राउंड में परफॉर्म करने का 2010 में, तो मैंने फिर परफॉर्म किया, तो यकीन माने कि वहीं से पब्लिसिटी अल्लाह ताला ने देना शुरू कर दी, कि एक लड़का है जो पाकिस्तान टीम में है तो वो बड़ा अच्छा खेला है, हाँ बड़ा अच्छा खेल रहा है, आने वाले वक्त में बड़ा अच्छा बनेगा, तो ये चीज़ें गर्दिश कर रही थी,
तो अल्लाह ताला ने फिर उसी हिसाब से नवाजा। जब आप क्या नाम है बाहर से खेल के पाकिस्तान की सतह पर आए तो लोगों ने किस तरह से आपको वेलकम किया और आप मतलब एकदम से अनएक्सपेक्टेड होता है आपके लिए कि लोग मतलब वो आपको दाद दे रहे होते हैं कि आप बाजू का सोच भी नहीं रहे होते हो, इवन कि माइंड में होता है नहीं हम विन करके आएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली बाजू का ऐसा होता है कि आप विन नहीं कर पाते, बट आप मशला से विन करके आए। तो जब अच्छा रिस्पॉन्स, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको पब्लिक ने, फैमिली ने दिया, तो क्या फीलिंग थी आपकी? देखें, फीलिंग तो वेरी 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 हैप्पी थी और वेरी 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 हैप्पी हैं और इंशाल्लाह रहेंगे भी, क्योंकि ये जो है, ये जो मोहब्बत है लोगों के दिलों में वो अल्हम्दुलिल्लाह वैसी की वैसी है। ये तो कोविड की वजह से थोड़ा सा हम हो गए हैं, महदूद से हो गए, अदरवाइज तो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो बिल्कुल वो हम उसमें हम ये भी नहीं कि दुखी हैं या हम कुछ भी, वो हमारी पाकिस्तान के अवाम के लिए और हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर नहीं एहतियात करेंगे तो जो हमें फॉलो करने वाले लोग हैं वो भी, मतलब के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को बुरा समझेंगे और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को अच्छा समझेंगे। हाँ, वेल क्वालिफाइड पर्सन जो है वही एसओपी पे अमल करेंगे तो नेक्स्ट पर्सन जो बिल्कुल नेक्स्ट पर्सन भी केयर होएगा। तो बाकी देखें नॉर्मल लाइफ है। हाँ जी। अच्छा, 2014 में सर आप इंडिया में मैच खेलेंगे और सुनने में आया ये सोशल मीडिया और पब्लिक रिव्यूज हैं कि वहाँ पे आपके साथ कुछ ऐसा इशू हुआ था कि जिसे आई थिंक बोला जा रहा है कि धक्काबाजी, तो थोड़ा क्लेरिफाई करेंगे आप? मैं बहुत सारे ऐसे इशू जिन पर ये जो है जो इसको क्लोज ही रखूँगा, क्योंकि ये चीज़ हाँ एक बिल्कुल हमारे वो भाई हैं, हमारे वो उन्होंने जो कुछ अनासर हर जगह पे अच्छे बुरे होते हैं, नो डाउट। हम किसी को बुरा नहीं कह सकते, सबको बुरा नहीं कह सकते। हमारे घर की फैमिली में भी अगर 6 मेंबर हो तो उनमें से भी एक आधा ऐसा ही होगा जो हम सबको तकलीफ देगा। तो बस इसी तरह होता है कि कुछ अफराद ऐसे हैं जो थे जिन्होंने थोड़ा सा हमें करने की कोशिश की, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के सामने ये सारा निज़ाम। नहीं, फिर भी एक लक आपके साथ थी कि इस मैच में आपने एज अ बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जो वो भी विन किया जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। ये जो 2020 में हमारा वर्ल्ड कप हुआ है, इसमें एज ए बेस्ट रेटर और एज ए बेस्ट प्लेयर अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे नवाजा गया। जैसे डिफरेंट अवार्ड होते हैं तो आपने कौन कौन से अवार्ड जो है वो लिए हैं? बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह का भी आप कह सकते हैं, शख्सियत के बारे में लिए, मतलब के टॉकिंग के बारे में लिया है, सोच के बारे में लिया है, मतलब जिस तरह पर्सनैलिटी के बारे में लिया है, एज ए बेस्ट प्लेयर के बारे में लिया है, एज बेस्ट मैनेजमेंट वो भी लिया है, बहुत सारे अल्लाह ने नवाजा है। अच्छा, आप बचपन से ऐसे हैं या आपने आपको चेंज किया? मतलब होता है कि कुछ गुस्से वाले होते हैं या अंडरस्टैंडिंग नहीं होते, केयरिंग नहीं होते, कुछ कुछ डिवेल्प करना पड़ता है जब आप एक सर्टेन एज पे आ जाते हैं, एक सक्सेस लाइफ आपकी आ जाती है, तो आपको अपने अंदर चेंजेस करनी पड़ती है, इवन लाइफस्टाइल में बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो आपने कुछ चेंज किया या एज इट इज़ जैसे आप बचपन से अभी भी वैसा ही है? मैं कहता हूँ कि इंसान अपने आप को चेंज कर ही नहीं सकता, क्यों? उसकी रीज़न ये है, आप अपने आप को थोड़ा सा माहौल के अंदाज से ढाल सकते हैं। आप कहें ना कि आप सीधा बिल्कुल राइट हो जाएं, तो वो नहीं, वो हम फरिश्ते तो हैं नहीं कि जो मतलब कि सब चीज़ों से पाक साफ या सारी चीज़ों से अच्छे हो जाएंगे। हम में भी बहुत सारी गलतियाँ होंगी, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक एक इंसान का माइंड होता है ना कि शुरू से ही मैं शुरू से ही मेरी सोच अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक पॉजिटिव और एक बड़े माइंड की सोच मुझ में रखी है, तो वही आज तक अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बिल्कुल, गॉड गिफ्ट है ये। तो मैं इस चीज़ में होता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो नवाजा है मुझे, तो ये शायद मेरी उसी पॉजिटिविटी की वजह से। मैंने आज तक यकीन माने कि कोई बंदा एक भी नहीं आपको कहेगा कि इसने हमारे साथ ज्यादती की है किसी भी किस्म की, किसी भी अंदाज से। आप ये एक बार तो यकीन मानेंगे कि आज तक मेरी खुद की पर्सनल किसी से लड़ाई हुई नहीं, किसी से आज तक। मतलब होता है ना कि बंदे के में ताकत आ जाती है, पैसा आ जाता है, फेमस हो जाता है, तो इंसान अपने आप को समझने लगता है कि मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। ये पिछले दिनों की बात है ना, तो मैं गाड़ी खड़ी, तो एक दोस्त था वो आया, तो एक ना बंदे ने आके गाड़ी में लगा दी जोर से, तो मुझे कहता मेरी गाड़ी काफ़ी डैमेज हो गई। हाँ, तो वो बाहर निकला तो उसके गले पड़ गया, जो मेरे साथ था, मेरा ड्राइवर था, तो वो उसके गले पड़ गया। मैंने उसको कहा, मैंने कहा इधर आ जा, वापस आ जा, कोई बात नहीं है, जिसने दी है ना उसने शायद ये आजमाइशों के लिए ऐसी चीजें होती हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपके अंदर जो है ना वो हम्बल आ जाता है, आप चीज बर्दाश्त कर जाते हैं, वरना टॉलरेंस बहुत मुश्किल है अपने अंदर लेके आना। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं।
अच्छा कभी सर ऐसी एज आई है कि जहाँ पे आप डिसहार्ड हो गए और बहुत से आपके अराउंड और लोग ऐसे होते हैं जो आपको इनकरेज करने के बजाय डिस्करेज कर देते हैं, आपको बोलते हैं कि नहीं चिश्ती आप नहीं कर सकते हो, कभी ऐसा हुआ? देखें ऐसा तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई ज़िंदगी में ऐसा मुकाम नहीं आया या ऐसी सिचुएशन ही ज़िंदगी में नहीं आई जितनी लाइफ हो गई है कि कोई ऐसा काम हो जो नामुमकिन हो। तो वो लोगों ने मुझे कहा वो नहीं, हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अप्रिशिएट किया गया और मुझे अच्छे अल्फाजों में यही कहा गया कि आप कर सकते हैं और करें। ये बहुत एक ब्लेस्ड होती है वाकई, तो बहुत पर्संस के साथ ऐसा भी होता है कि डिस्करेज करने वाले भी साथ साथ होते हैं। बिल्कुल, ये देखें हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। अच्छा बुरा, हर अगर मैं शफीक चिश्ती हूँ तो मुझे अच्छे भी कहने वाले बहुत ज्यादा होंगे और मुझे बुरा कहने वाले भी बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन फर्क यहाँ पे आता है कि आप अच्छा ज्यादा गिने जाओ। बुरे तो फिर हर जगह पे इंसान किसी को भी किसी भी हाल में नहीं छोड़ता, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुझे मेरे सामने तो नहीं कभी किसी ने ऐसा किसी अल्फाज कोई यूज़ किए, लेकिन मतलब के बैक में करते हो तो नोट करते हो तो नो डाउट मुझे इस चीज़ का नहीं है। अच्छा ये तो हो गया हमारी कबड्डी की बहुत सारी बातें, अब हम आपकी लाइफ की तरफ आते हैं। अपने लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, कैसी लाइफ है स्पेंड कर रहे हैं या कैसी लाइफ आप चाहते थे और आपका ड्रीम पूरा हुआ और आपने वो चीज़ गेट की? देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बड़े मतवस्तर तबके से था, तो अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा, अल्लाह ताला ने मेरे माँ बाप की दुआओं से और बहन भाइयों को और आवाम की दुआओं से मुझे नवाजा। तो मैं जैसी लाइफ सोचता था उससे भी अल्लाह ताला ने मुझे अच्छी से अच्छी लाइफ दी है। मतलब जिस तरह आप जितना आप कह सकते हैं उसी उससे मेरी सोच से ज़्यादा मुझे अल्लाह ताला ने नवाजा। अच्छा वापटा में भी आप काम कर रहे हैं और इसमें आपकी क्या डेजिग्नेशन है और अभी करंटली आप क्या अपॉइंटेड हुए हैं और जब आपने स्टार्ट किया था तब आप किस स्टेजिंग पे जो है अपॉइंट हुए थे? मैं जब स्टार्ट किया था तो मैं सीएन मेरी डेजिग्नेशन। अच्छा माशाल्लाह इतना ज्यादा जंप किया, 9 में गए हैं और अभी नाइन आपका स्केल जो है वो 18 है। उसमें ये है ना कि हम नेशनल्स खेलते हैं, हमारे प्लेयर्स जो नेशनल विन करता है फिर वो हर नेशनल के बाद हाँ प्रमोशन होती है। फिर मैंने 4 नेशनल विन किए हैं, 5 हमारे जब मैं इंटर हुआ तो 5 नेशनल्स 4-5 विन किए हैं, और उसके बाद फिर एक एशिया कप है तो वो खेला, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारी पोजीशन थी तो फिर उस हिसाब से मुझे। अभी तक आप आउट ऑफ कंट्री किन किन जगह पे खेल के आ चुके हैं? बहुत सारी कंट्री में, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नाम याद है आपको कि कहाँ कहाँ गए, क्योंकि पाकिस्तान टूर और आउट ऑफ कंट्री टूर करना, ऑल ऑफ द वर्ल्ड टूर करना, ये हर बंदे की एक विशेष होती है जी, बिल्कुल, और आपको स्पॉन्सर किया जाता है, आप जाते हो जाके ओब्वियसली चलो गेम तो गेम है, उसके बाद जो आपका टाइम फ्री होता है आप घूमते हो जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। किन किन कंट्री का आप टूर करके आ चुके हैं? इंडिया, ईरान, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, मतलब वहाँ के लोग भी इसी तरह से आपको अप्रिशिएट करते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान की याद आती है जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये पाकिस्तान तो फिर दिल में खून की जगह दौड़ता है ना, पाकिस्तान तो हमारे जैसे खून दौड़ रहा है जिस समय ऐसे पाकिस्तान दौड़ता है, तो वो प्यार करने वाले हर जगह पे बेबहा अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ कि हर जगह पे वो हमें इसी तरह प्यार मोहब्बत आपको देते हैं। अच्छा पाकिस्तान के मैचेस में और आउट ऑफ कंट्री के मैचेस में क्या फर्क है या सेम होते हैं? पाकिस्तान में और सेम ही होते हैं, इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता क्योंकि वहाँ पे भी अच्छे प्लेयर होंगे, वहाँ यहाँ पे भी अच्छे प्लेयर्स ही अच्छे प्लेयर्स का पाला पड़ता है, तो वहाँ पे भी अच्छे प्लेयर्स का अच्छे प्लेयर्स गेम के रूल्स और वो सेगमेंट्स वगैरह। हाँ रूल्स में कोई 19-20 है, अदरवाइज सेम ही है सारा। कभी आपको हुआ कि आपने कहा कि नहीं भी ये रूल्स भी मैं नहीं मानूंगा, ये मुझे नहीं मानने चाहिए, बिकॉज़ हम लोग हो जाता है मैच के दौरान मैचेस के दौरान खेलते हैं, कई बार हो जाता है ऐसा कि जो वो चाह रहे होते हैं वो नहीं होता और जो हम कह रहे होते हैं वो नहीं मानते। हाँ कई बार जो हम कह रहे होते हैं वो नहीं मानते, कई बार वो कह रहे हैं जो हम नहीं मानते, तो इस तरह की सिचुएशन में सरवाइव करना कितना डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब आप मेंटली जो है ना वो पे फोकस नहीं कर पाते हो। वहाँ पे डिपेंड करता है आपकी हमायत में कितने लोग हैं या आप की हमायत में किस तरह के पॉइंट है, तो वहाँ पे डिपेंड ये करता है। कबड्डी के पैशन के अलावा इसके अलावा आपका क्या शौक है? मेरा इसके अलावा घोड़ों का शौक है, राइडिंग भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रखे भी हुए हैं, और उसके अलावा मेरे मुझे जानवरों का शौक है, भैंसों का और गाय का, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मैंने डेयरी फार्म बनाया हुआ है, और बस यही उसके अलावा कबड्डी। उसके अलावा कबड्डी। अच्छा कबड्डी प्लेयर जो होते हैं ना ये बहुत ही रिजर्व होते हैं, मतलब ज्यादा मौसीकी वगैरह और सॉन्ग्स वगैरह का शौक नहीं होता, आपकी नेचर इस मामले में किस तरह की है? कह सकते हैं कि आप
इसी तरह से ही है, इतना ज़्यादा मतलब कि कभी मौसीकी या किसी भी ऐसे फंक्शंस में नहीं गया कि ना कहें कि जिससे हमारे इमेज पे इफेक्ट हो। तो आप सॉन्ग्स वगैरह मौसीकी वगैरह में शौक है? नहीं, वो तो कभी गाड़ी में हम जा रहे हों, कहीं सफ़र कर रहे हों, तो फिर वो तो इंसान कभी गुनगुनाने का शौक हुआ है? हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा, वो मैं नाथ खान था, बड़ी अच्छी वॉइस अल्लाह ताला ने मुझे बख्शी। तो उसके बाद फिर कभी कभार ये जब एक प्रोफेशनल लाइफ में आए हैं तो फिर उसमें कभी गुनगुनाने को अकेले बैठे हो तो दिल करता, वो भी करते नहीं। अभी हम आपसे फरमाइश करें कि आप हमें सुनाएं थोड़ा सा, बेशक दो ही लाइन गुनगुना के, तो सुनाएं फिर मतलब गाना। हाँ जी, ताकि लोगों को पता चलना चाहिए ना कि कबड्डी प्लेयर होने के साथ साथ अच्छे सिंगर भी हैं। मुसीकी में भी शौक है वो अभी एक दो एक दम से माइंड में तो नहीं आ रही कोई भी ऐसी बात। टाइम दे देते हैं, एक दो मिनट का टाइम ले लें। आप क्वेश्चन आगे आगे करते हैं फिर उसके हिसाब से मुझे माइंड में आता है, तो फिर वो भी नहीं, गाने के क्वेश्चन में कहां से निकाल। नहीं नहीं, आप वैसे जो आपने और करना है वो आप बात करें, मैं वो भी करूंगा। वो जैसे फिर मुझे एकदम से माइंड में नहीं ऐसी चीजें, आपके माइंड में नहीं आ गाना या कोई भी नात मतलब कि हां माइंड में नहीं। चलिए अब हम गाना जो है हमारा पेंडिंग में, हम लास्ट में आपको सुनेंगे जरूर, आपको इस तरह से हम वाइंड अप नहीं करने देंगे प्रोग्राम को। अच्छा, कबड्डी खेलने के लिए आपको ज्यादातर आउट ऑफ स्टेशन भी जाना पड़ता है, आउट ऑफ कंट्री भी जाना पड़ता है, तो फैमिली किस तरह से मैनेज करते हैं, टाइम दे पाते हैं घर वालों को? मेरी माँ मेरे साथ होती हैं, तो फैमिली में इंसान फिर जितना नॉर्मल टाइम होता है, क्योंकि हमारा दिन कहीं होता है, रात कहीं होता है, मैचेस के दौरान में, तो फिर इस हिसाब से बस नॉर्मली सलाम दो हुई है, तो बस सलाम दो हो गए बस। कभी ऐसा हुआ कि आप आउट ऑफ कंट्री बैठे हैं, आउट ऑफ स्टेशन बैठे हैं, काफी दिन का आपका स्टे है वहाँ पे, और घर वालों की एकदम से याद आ रही, नहीं नहीं अम्मी के हाथ का पका मैंने खाना खाना है, मैंने बाहर से नहीं खाना, तो उस वक्त क्या कैफियत हो रही होती है? देखें, कई बार होता है, एक बार नहीं होता, कई बार होता है, हम जब बाहर जाते हैं आउट ऑफ कंट्री, तो हमारा तीन तीन चार चार महीने का टूर होता है लंबा, तो वहाँ पे कई बार माँ बाप बहन भाई दोस्त याद आते हैं, तो फिर एक होता है सेपरेट ही एक कह सकते हैं पार्क जो हमारी ग्राउंड होती है, तो किसी ना किसी कोने पे बैठ के अपना दिल हल्का करके तो फिर वापस आ जाते हैं। वीडियो कॉल वगैरह आजकल सोशल मीडिया बहुत ज्यादा फास्ट हो गया, इसमें आप मतलब सामने बैठे देख सकते हो, बट फिर भी वो फील नहीं आती जो आप एक दिन फ्रंट ऑफ जो फेस टू फेस आप एक साथ कम्युनिकेट करना, वो सोशल मीडिया के थ्रू आप जो है ना नहीं डेवलप कर पाते। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। हर कामयाब आदमी के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, चाहे वो मर बाप होता है, चाहे वो अम्मी है, चाहे वो उस्ताद है, आपके पीछे किसका हाथ है? ज्यादातर तो औरतों का हाथ माना जाता है। देखें, औरतों का भी हाथ किसी हद तक मैं कहता हूँ ठीक है, वो एक हर कामयाब मर्द के पीछे, लेकिन जो आपके बाप ने आपको हिम्मत और ताकत देनी होती है ना, उन उसके अल्फाजों ने और उसकी आपके लिए जो एक सोच है उसने देनी होती है, वो कहीं कोई भी नहीं दे सकता होता, ना वो चचा दे सकता है, ना वो भाई दे सकता है, ना वो कोई आपका रिलेटिव कोई भी नहीं दे सकता होता। बाप मेरे ने मुझे एक दफ़ा तो मैं कबड्डी में जब मुझे शौक पड़ा तो मेरे अब्बू कहते थे कि दफ़ा करो, तुम्हारी कोई टांग शंग टूट जाएगी, अल्लाह माफ़ करे, तो कोई बाजू ऐसा फ्रैक्चर हो जाएगा, तो दफ़ा कर इस चीज़ को, छोड़ अपना काम कर। तो जिम्मेदारा और भैंसों का कहता मुझे, कहता मैंने कहा अब्बू नहीं, मैंने खेलना, मैं फिर भी चोरी चोरी चला गया, और मैं गाँव ट्रेनिंग कर रहा था, अंधेरा था, तो मेरे अब्बू ना भैंसों का कहीं काम कर रहे थे, वो उधर गए, तो उन्होंने देखा कि मैं वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो उन्होंने एक वहाँ से स्टिक लाए और स्टिक से मुझे इतना मारा कि आपकी सोच होगी, वो स्टिक मुझ पे ही तोड़ दी सारी, उन्होंने कहा तुझे रोका है, तुम ये काम कर रहे हो फिर तो, लेकिन फिर भी मैं तब तो दो चार दिन तो मैं रुक गया, लेकिन एक जुनून, एक नशा, एक आप कह सकते हैं कि जिस्म में जो एक बेचैनी थी वो कहीं ना कहीं जाके हाँ तंग करती थी, तो मैं कहीं ना कहीं आप यकीन माने कि मैं सुबह तहज्जुद के टाइम नमाज पढ़ के, तहज्जुद की नमाज पढ़ के उसके बाद मैं ट्रेनिंग करता था, ट्रेनिंग करने के बाद मैं नमाज पढ़ता था, नमाज पढ़ के मैंने मस्जिद जाना, फिर मैंने स्कूल जाना, फिर मैंने अपना आके घर का काम जो आप मुझे कहना वो भी मैंने करना सारा, तो इस तरह से मैं मैनेज करता था सारा कुछ। तो मतलब जब आप एक अवार्ड लेके आए, एक अच्छे प्लेयर बने, तो तब घर वालों ने अबू ने आपको अप्रिशिएट किया कि नहीं मैं उस वक्त मना कर रहा था, अब मेरा बेटा जो है वो नाम कमा के आया, तो उस वक्त जो पेरेंट्स की फीलिंग है ना, वो बच्चे भी जो है ना वो उसको जज नहीं कर पाते। हाँ बिल्कुल, एस्टिमेशन हमारी हो ही नहीं पाती है जो उस टाइम पेरेंट्स फील कर रहे हो। 2009 से अल्हम्दुलिल्लाह 10 से मैं बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, तो आप यकीन मानेंगे कि मेरे अबू
2016 या 17 में उमरे के लिए गए हैं, तो वहाँ पे लोगों ने, मैंने अपनी एक पोस्ट कर दी अपने अबू के साथ एक फोटो सोशल मीडिया पे, तो लोगों ने वहाँ पे बड़ा उनको मतलब के प्यार दिया अबू को, और बड़ा उन्होंने वहाँ पे मिलने लोग आए सऊदी अरब में, तो मेरे अबू घर आके मेरे चाचा को डेरे पे बैठे हैं और मेरे चाचा को कह रहे हैं कि यार ए मुंडा देख एनू तो मैं कुछ भी नहीं सही, बड़ा मशहूर है पंजाबी। हाँ, मेरे अबू मेरे चाचा को कह रहे हैं कि यार आपा तो एवं समझते बड़ा मशहूर है उत्थे बाहर मुल्क, बड़े लोग प्यार करते हैं। मतलब मेरे अबू इंतहाई सादा पर्सन है और इंतहाई सिंपल है, उनको सोशल मीडिया और ये टीवी शीवी इन चीजों में, नमाजी परेजी आदमी और बड़ा अल्लाह वाले बंदे हैं, बहुत सादा से बंदे के जब पता चलता कि भी मेरे बच्चे की काफी। मुझे हर बार कोई जो भी एक्टिविटी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे साहिवाल से बड़ा अप्रिशिएट किया गया और बड़ा आवाम ने प्यार दिया, हर दफा मेरे पे उन्होंने आके मुझे रोडों से रिसीव किया है रोड से। तो अबू मेरे इस दफा पहली दफा आए 2020 में, 10 साल के बाद पहली दफा आए। अच्छा, इतनी भीड़ में सिर्फ अपने अब्बू को जब आपने देखा तो आप सबको भूल गए होंगे, सबू की तरफ भाग के गए होंगे। बिल्कुल नहीं, मैं जब गाड़ी से उतरा ही हूँ तो पहले ही मेरे फर्स्ट पे अब्बू खड़े थे, हमारे जितने भी इलाके की शख्सियात थी वो सारी वहीं पे थी, तो अब्बू भी अब्बू साथ ही खड़े, तो फिर मैंने उनके कदमों को हाथ लगाया और वो मैंने उनको उनसे प्यार लिया, और फिर आपको पता कि एक आवाम की गैदरिंग में फिर उस हिसाब से हां उनके लिए भी एक बड़ी खुशी की बात होती है कि पाकिस्तान का पर्सन जो है वो विन करके आया, पाकिस्तान का नाम रोशन करके जब आ रहे होते हैं तो कौम की जो है वो खुशी की कैफियत कोई भी नहीं महसूस कर सकता, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, कबड्डी की फील्ड में आप तो बेस्ट प्लेयर है नो डाउट, आपके अलावा आप किसको समझते हैं कि ये भी एक अच्छा बेस्ट प्लेयर है? मुझसे सारे ही अच्छे ये वाकई ही एक कामयाबी बोलते हैं कि भी मुझसे सब अच्छे हैं, बिकॉज़ आज भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जब आप आज भी होती है तो आप बुलंदियों को छू लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो चले ये मैं नहीं मानती कि आपसे सब अच्छे हैं, फिर भी आप बताएं। देखिए, अल्लाह ताला ने मेरे जिम्मे जो काम लगाया है वो मैं एक आसान तरीके से करता हूँ और एक आसान तरीके से वो मुझे ताकत देते हैं करने की, तो वो मैं करता हूँ। उसके अलावा हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं सारे अच्छे हैं माशाल्लाह, कोई भी एक किसी की भी हम नहीं कह सकते कि ये इससे कम है या इससे कम है, सारे अच्छे से अच्छे अच्छे से अच्छे स्टेप है, एक पूरा कि मंजिल के पहुंचने तक सारे जो जैसे सीढ़ियों के स्टेप होते हैं सभी अच्छे, फ्रंट वाले का ये तक वो स्टार्ट करते हैं, दरम्यान वाले के ये पुशअप करते हैं, ऊपर वाले का ये है कि वो मंजिल पे आपको रोकते हैं, तो इस तरह सारी एक सीढ़ी है हमारी। अपने सेगमेंट पे हाँ सारे अच्छे प्लेयर वो अच्छे बिल्कुल। आपने किसी प्लेयर को ट्रेन किया है, किसी पर्सन को ट्रेनिंग दी है और उसको स्पेशली आपने जो कहा कि नहीं करेज करके कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे जाना है और मेरा नाम रोशन करके आना है क्योंकि मेरा उस्ताद ये है? मैंने अपना कुछ गिर्द किया ऐसा नहीं, ऐसा तो अभी नहीं कोई भी हुआ, क्योंकि मैं खुद देखिए जब इंसान खुद शागिर्द रहता है तो सीखता तब तक ही है, जब इंसान उस्ताद बन जाता है तो फिर सीखता नहीं है, फिर सिखाता ही, और मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा शागिर्द ही रहूँ, उस्ताद की नौबत तक अभी ना ही पहुँचूँ, तो लेकिन अल्लाह ताला ने यह भी किया तो मैं उस मुकाम पर भी पहुँचूँगा। और मैंने पाकिस्तान में इंशाल्लाह बहुत जल्द एक हम एक अपना कैनेडियन जो क्लब है वो पाकिस्तान में इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे और वो आपको जल्द से जल्द इंशाल्लाह उसकी भी आपको खुशखबरी देंगे। जी जरूर, जब भी आप लॉन्च करेंगे हम उसको जरूर देखेंगे। जी जी। फैन फॉलोइंग आपकी पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, आउट ऑफ कंट्री भी बहुत ज्यादा है, तो कभी लोगों ने फोन कॉल मैसेजेस करके तंग किया आप सो रहे हो और जिस साहब को भी डायरेक्टली फोन आ रहे हैं और फोन पावर ऑफ शुरू में ऐसी चीज़ों से तंग होते थे, लेकिन अब हाँ अब आदि हो गए हैं, अब जितना हो सकता है लोगों को रिलैक्स करवाते हैं और उनको रिलैक्स करते हैं बात करके कुछ लोग, क्योंकि फैन होता ना वो उसको नहीं हो आपकी सिचुएशन का पता होता, उसके प्यार कभी भी जाग सकता है, चाहे वो रात को 2 बजे जागे, चाहे वो 3 बजे जागे, चाहे वो दिन को जागे, कहीं भी उसके दिल में आपके लिए कभी भी मोहब्बत पैदा, कभी कई बार ऐसे होता है कि रात को 1:30 बजे 2 बजे कुछ लोग अफराद जो मैच देख के फारिग होते हैं तो कहते हैं यार चीशी साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, यार आपका मैच अभी देखा है हमने, तो ये फिर मतलब बंदा नींद में होता है फिर फोन भी उठाता, तो फिर कई बार मेंटली तौर पे बंदा हो भी जाता है, लेकिन अपने आप को ज्यादा कंट्रोल में रखते हैं कि हाँ कोई ऐसे अल्फाज या कोई ऐसी बात हमारे मुंह से न निकले जो अगले की दिल आजारी करे। अच्छा, फैन फॉलोइंग ऐसी मिली है जो डाई हार्ड हुआ आपके लिए? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा
इसमें कोई शक नहीं है। लिस्टेड कौन सी है इस लिस्ट में टॉप पे, हम कह सकते हैं कि वो कौन सी लड़की है जो भी टॉप पे वो कहे कि मैं नीचिस्ती साहब में आपके लिए फुल डाई हार्ड हूं। नहीं, उस निगाह से कभी भी नहीं, किसी चीज पे भी नहीं। हां, एज ए फैन फॉलोइंग पॉजिटिविटी में भी हां बिल्कुल होता है कि डाई हार्ड भी आपको मिल जाता है कोई ना कोई फीमेल आपके लिए, बहुत ज्यादा एक अप्रिशिएटिंग वाली बात होती है। फीमेल किसी पर्सन को जो है वो लाइक कर रही है, तो आपको कैसी फीमेल मिली है? देखिए, बहुत सारी मिलती हैं, बहुत सारी अच्छी लड़कियां, और बहुत सारे हम जितनी भी हम फैमिलीज अल्हम्दुलिल्लाह में जाती हैं, बहुत सारे अच्छे घराने के लोग हैं, लेकिन कभी भी माइंड को उस तरफ नहीं लेके गए, या माइंड में ये चीज़ नहीं आई, नेगेटिविटी सोची नहीं, एज ए हाँ एज ए बेस्ट फ्रेंड, एज ए बहन या एज ए सिस्टर हम उसको ज़रा ट्रीट करते हैं, तो वो फिर अपने आप को खुद बखुद ही समझ जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा किसी न किसी जगह पे आप खुद को थोड़ा सा उस लिहाज से ढालेंगे तो अगला बंदा आपको हाँ रिस्पॉन्स करेगा, अदरवाइज आप एक लिमिटेड हो जाएंगे तो फिर अगला बंदा भी आपको उस तरह से तंग नहीं करेगा। सही हो गया। कभी किसी लड़की ने इन फ्रंट ऑफ आके आपको प्रपोज किया? अब मैं ये चीज़ें ऐसे कहूँगा तो फिर बहुत सारे दिल आज़ारियाँ भी होंगी। अच्छा, तो दिल तो मैं किसी को भी दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे, फिर मैंने आपको पहले भी कहा कि उसको एक ज़रा लिमिटेड सा करके फिर उसको क्या देते हैं, हाँ उसको ट्रीट करते हैं, तो फिर वो खुद ब खुद समझ जाते हैं, तो रिस्पॉन्स जी उस तरह से नहीं। जिस हिसाब ने घूमे फिरे अल्फाजों में बता दिया है कि लड़कियों का वे है, बट हम उसको ट्रीट जो है ना वो डिफरेंट वे से करते हैं। हां बिल्कुल। शादी कब कर रहे हैं आप? इंशाल्लाह जल्द। जल्द कर रहे हैं? कोई लड़की नजर में है या घर वालों की नजर? तो वो अल्लाह को जैसे जैसे अल्लाह को मंजूर। अच्छा, यहाँ लड़कियों वाले मामले में बहुत रिजर्व है, बहुत जो है ना मतलब छुपे अल्फाज निकाल निकाल के बात कर रहे हैं कि ज्यादा भी ना बोला जाए और दिल आजारी भी ना हो। चलिए, अगर आप नहीं करना चाह रहे तो हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते, हम यहीं पे इसको वाइंड अप कर देते हैं। थैंक यू, ये आपकी ज़रा नवाजी है कि आपने इन अल्फाज़ को वाइंड अप कर देते हैं। हां जी, जो आपके फैंस हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? जो मेरे फैंस हैं उनको मैं यही पैगाम दूंगा कि फ़ैन किसी के भी हो सकते हैं, किसी भी जगह पे, किसी भी प्लेयर्स के, किसी भी लिहाज से, लेकिन आप फ़ैन तब तक नारा करें जब तक वो बंदा ग्राउंड में ही नहीं है या जब तक वो बिल्कुल सेट है। आप फ़ैन तब भी रहा करें जब वो किसी मुश्किल में हो या किसी पोजीशन में ना परफॉर्म कर रहा हो, तो आप उसको तब भी अप्रिशिएट किया करें, क्योंकि एक हमारा अलमी है बहुत ज़्यादा है कि अगर हम कोई बंदा दो दिन अच्छा खेल रहा है तो दो दिन अगर वो एक मैच बुरा खेल गया तो हमने कहना लो जी इसका तो खाना ख़राब हो गया, ये तो ख़त्म हो गया, ये तो वो करता है, ये तो वो करता है। और यकीन माने आउट ऑफ कंट्रीज़ में जितने भी ममालिक हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं कबड्डी के, आप किसी गेम बाकी को तो छोड़ें, जितने भी कबड्डी के प्लेयर्स हैं उनको हर लिहाज से अप्रिशिएट और हर फैसिलिटी मुहैया की जाती है, लेकिन उनके माइंड में कभी भी वो नेगेटिविटी नहीं गई, वो खुद ब खुद जब आप एक बंदे को खुद ब खुद अपना बेस्ट दे रहे हाँ हो। हाँ बिल्कुल, आप जब एक बंदे को रिलैक्स कर देंगे ना, उसको ये कहेंगे कि बेटा आपने ये करना है या भाई आपने ये करना है या छोटे आपने ये करना है, तो वो खुद ब खुद अगर वो प्लेयर जो आज तक ना अल्लाह ताला ने जिसको भी एक नंबर का मुकाम दिया है ना, उसमें एक नंबर क्वालिटीज़ होती हैं, वो उसके उठना एक नंबर होता है, उसका बैठना एक नंबर होता है, उसका मेल जोल एक नंबर का होता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला तभी आपको एक नंबर रखते हैं, पूरी दुनिया में एक नंबर बनाते हैं, क्यों कि जब हम आपकी सोच डिफरेंट होगी, आपकी आपके काम डिफरेंट होंगे, आपके अलग सा एक खुद का एक जैसे कह सकते हैं कि कौंसल है कि जो लोग नहीं कर सकते होंगे वो आप करते हैं, तो किसी को हम ये नहीं कह सकते हो कि आपको पेंसिल पे या स्टाम्प पे एक नंबर लिख के आपको दे दिया तो आप गले में डाल लें तो लोग आपको कहेंगे जीवा जीवा ये एक नंबर है, ये तो सबसे अलग है। नहीं, आपकी हरकत और आपके एक्टिविटीज़ आपके जज्बात बताते हैं कि आप एक नंबर हैं और आप एक अच्छे प्लेयर हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, आप जो भी करते हो मेहनत से, लगन से, देखिए मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती, बिल्कुल इसमें कुछ। तो जब आप एक मेहनत के साथ पुरजोश होके और आगे बढ़ते हो तो ऑब्वियसली अच्छा रिवॉर्ड मिलता है उसका आपको इसमें। जी, कबड्डी के फ्रॉक के लिए आप क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं? मैंने आपको पहले भी बताया, इंशाल्लाह यूके और कनाडा के हमारे भाई हैं जो कबड्डी के प्रमोटर हैं, हाँ प्रमोटर हैं, तो वो इंशाल्लाह फ्यूचर कर रहे हैं, हाँ यूके और कनाडा से इंशाल्लाह। तो वही बात होगी कि जो हमारे यंग कबड्डी प्लेयर्स हैं उनको क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? यंग प्लेयर्स जो हमारे जितने भी हैं, मैं उनको यही, मैं फर्स्ट में भी यही कहा था उनको कि आप सबसे बड़ी बात ये है, सबसे पहले ये बात है कि आप अपनी जो आपसे सीनियर्स हैं और उनकी आप रिस्पेक्ट करें, और इलाके में जितने भी आपके मुखय्यर हजरात हैं और जितने भी हमारे आपके बड़े हैं आप उनकी रिस्पेक्ट किया करें, ताकि
आपका इमेज अच्छा जाए। और बहुत सारे हमारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो उठते हैं और इलाके में उनमें थोड़ी सी अल्लाह ताला ने ताकत डाल दी होती है तो वो इर्द गिर्द टांगे मारना शुरू कर देते हैं। तो मेरा उनके लिए भी यही मैसेज है कि आप हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें और अपने आप को हमेशा एक अच्छी एक्टिविटी में इन रखें ताकि आपके आने वाला जो मुस्तकबिल है वो एक साफ शफाफ और हर बंदा आपको अप्रिशिएट करे और हर बंदा आपके साथ मिल कर चलने की कोशिश करे। वर्ल्ड टूर करने का हर इंसान का शौक होता है और आप एज अ प्लेयर जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड गए हैं, तो किस किस ममालिक में आप गए हुए हैं? बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह, जिनमें आप कह सकते हैं कि इंडिया, ईरान, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, मतलब बहुत सारे। सबसे ज्यादा अच्छा आपको मुल्क कौन सा लगा है? देखिए, जहाँ पे मोहब्बत करने वाले कबड्डी के होंगे वो हमें सबसे अच्छा लगेगा, और जिस जगह भी गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पे प्यार करने वाले लोग हैं, वहीं पे मोहब्बत करने वाले लोग मिले। सबसे ज्यादा जो है प्यार करने वाले और आपको अप्रिसिएशन किस मुल्क में मिली है? कनाडा और यूके में और इंडिया में भी। हाँ जी, कनाडा और यूके में ऐसे कौन से ग्रुप हैं जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं जिसके तरफ से आप खेलते हैं कबड्डी? यूके में मैं खेलता हूँ शेरे सॉरी स्लो कबड्डी क्लब, और उसके स्पॉन्सर हैं जो मेन है हमारे वो गोल्डी संधु और शीरा सिंह, ये दोनों हैं। और जो कनाडा में है तो कनाडा में हमारे मैं शेरे पंजाब राजवीर राजू कबड्डी क्लब की तरफ से खेलता हूँ, और वहाँ पे हमारा एक और है हाउस ऑफ टायर जो है वहाँ पे, वो उसकी तरफ से कनाडा में जो मुझे स्पॉन्सर करते हैं मेरे क्लब वाले, उनमें आप राजा संगा और जवारा संगा, साथ में पम्मा भाई और विक्की भाई, हाँ बिल्कुल विक्की भाई हैं, भोला भाई ते मंदर भाई, ते ये सारे मतलब के शेरे पंजाब राजवीर राजू कबड्डी क्लब के मेंबर ने। इसी ग्रुप को पाकिस्तान में लॉन्च करना चाह रहे हैं कनाडा के या अलग से बनाना चाहिए? वो इंशाल्लाह आपको हाँ इंशाल्लाह कमिंग सून आपको पता चलेगा। वाइंड अप ही रहने देते हैं तो तभी हम देखेंगे। अच्छा, कबड्डी में आपका स्टाइल डिफरेंट है, आप जब आप विन करते हैं आप थोड़ा सा डांस भी करते हैं, तो अभी जो आपने गेटअप किया हुआ ये भी एक स्टाइल डिफरेंट है, आप कौन कौन से स्टाइल लेके आए हुए हैं? देखिए, मेरे बहुत सारे फैन ऐसे भी हैं जो सिंध से और केपीके से और हमें कराची से फोन करते हैं, तो वो अक्सर उनकी शिकायत तो यही होती है कि आप हमारे बारे में कोई बात नहीं करते, हमारे एरियाज़ के बारे में कोई बात नहीं करते कि आपने हमारे एरियाज़ में क्या कर रहे हैं। तो मैं ये अपने सिंधी भाइयों के लिए भी एक ये मेरी जो मैंने पहना है टोपी और अजरक, ये उनका ख़ास गिफ्ट मुझे आया और जिन्होंने ये गिफ्ट मुझे किया उनका भी शुक्रिया। और दूसरी ये बात है कि मैं उनके लिए भी यही कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम वहाँ पर भी सिंध में भी अच्छे अच्छे मैचेस करवाएंगे, और वहाँ पे भी जो हमारे मुखैर दोस्त हैं हम उनसे करेंगे रिक्वेस्ट कि आप वहाँ के एरिया के जो आपके प्लेयर्स हैं उनको आप स्पॉन्सर करें और उनको वहाँ पे खेलने का मौका दें। और इंशाल्लाह आप सब भाइयों के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारी आप लोगों की दुआएँ हैं सिंध वालों की, तो मैं बहुत जल्द कराची और हैदराबाद और सिंध की तरफ लगाऊँगा चक्कर और आप सबसे मिलूंगा भी इंशाल्लाह वहाँ पे। स्पेशली फैंस के लिए था कि अपने फैंस की वजह से आप इन सिटीज में जाके और अपने मैचेस। हाँ बिल्कुल, उनका मुझसे यही गिला होता है तो मैं उनका गिला दूर करने के लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके पास चक्कर लगाऊंगा। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप गुफ्तगू का सिलसिला हम इसी तरह बिहाइंड कैमरा जारी रखेंगे, लेकिन प्रोग्राम अपने खत्म को पहुंचा तो इन प्रोग्राम को हम वाइंड अप टच देंगे। मैं फिर से दोबारा आपका तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं जानती हूँ आपका बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल है, फिर भी आपने हमें टाइम दिया, इंटरव्यू दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, थैंक यू। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। हमने आपकी मुलाकात करवाई जनाब शफीक चिश्ती साहब से, जो बहुत ही बेस्ट प्लेयर हैं, बहुत ही उम्दा शख्सियत के मालिक हैं, पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल सतह पर भी वो कबड्डी खेल रहे हैं और कबड्डी का नाम रोशन कर रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए दिन के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्हानी के बाद।